अब दूसरा एक प्रश्न, सुबह जो बात की थी कि हमने टोटल बंधे योग्य प्रकृतियाँ 120 देखी, उसमें ध्रुवबंदी कितनी देखी थी? अभी तो टेबल नहीं है ना यहाँ पर, अपने अपने नोटबुक में लेके, हाँ 47 और जो अध्रुवबंदी है वो 73 देखी। अध्रुवबंदी में हमने दो देखे थे, 11 प्रकृतियों को क्या कहा था? अप्रतिपक्ष, और जो 62 रही वो सप्रतिपक्ष। तो उसकी आपको टोटल, उसके जो नाम है उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, है ना? वो कौन से है आपको लगा कुछ अपने रह तो नहीं गई, तो उसको हम फिर देखेंगे कौन कौन सी है ना? क्योंकि नाम कर्म की जो प्रकृतियाँ कौन कौन सी उसमें बनती है, तो देखो हमने ऐसा देखना है कि नाम कर्म में से कौन सी प्रकृतियों को हमने ध्रुवबंधी में डाला, कौन सी प्रकृतियों को अप्रतिपक्ष में डाला, और बाकी जो बचे 51 तो वो यहाँ सप्रति नाम की सप्रतिपक्ष। क्योंकि सभी सप्रतिपक्ष कौन कौन सी होती है? तो वेदनीय की 2, गोत्र की 2 और मोनी की 7, 3 वेद और 2 युगल। इनके अलावा जो बची है वो सारी नाम कर्म की है, वो 51 है, 51। ये जो 51 प्रकृतियाँ कौन कौन सी है, तो गति में 4 गति लेना, हमें टोटल 51 घटित करना है ना। जाति में 5 जाति, हाँ। उसके बाद शरीर में 2 ही लेना, औदारिक और वैकरिक। क्यों? आहारक को तो हमने अप्रतिपक्ष वाले में लिया था, इसलिए यहाँ 2 ही शरीर बचे। तेजस कारमान में तो हमने ध्रुवबंदी में लिया था, और आहारक को हमने अप्रतिपक्ष में लिया था, इसलिए बचे 2 ही शरीर, औदारिक और वैकरिक। हाँ, अंगोपांग में भी औदारिक अंगोपांग और वैकरिक अंगोपांग, यानी शरीर भी 2 और अंगोपांग भी 2। उसके बाद संस्थान 6 संस्थान में से कोई एक बंधेगा तो 6 संस्थान और 6 सहनन गिनना हो। फिर गत्यानुपूर्वी 4 और विहाय गति 2, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये तो सारे ग्रुप वाली पिंड प्रकृतियाँ हुई। अब छुट्टी छुट्टी 2-2 जोड़ी वाली कौन कौन सी है? ये त्रसादी 4, यानी त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और उसके विरुद्ध वाली, यानी 4 जोड़ी हुई। और फिर स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशस्की और उसकी अपनी अपनी जोड़ी, ये 10 जोड़ी यानी 20 प्रकृतियाँ हुई। अभी टोटल करो कितनी हुई? 51 हो गई ना। हाँ, जरा चिंता करना, अपनी अपनी प्रकृति बराबर संभाल के रखना, हाँ, कहीं को नहीं जाए हमारी, हाँ, छूट नहीं जाए। हाँ, तो